आज हम बात करेंगे एलिकॉन इंजीनियरिंग के स्टॉक के बारे में। एलिकॉन इंजीनियरिंग के स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार एक अपडेट में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हायर लो वाला बटन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम अगर यहाँ पर स्टॉक में एक ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर आकर अपना मल्टीपल नाम सपोर्ट लिया, इसका हमको स्टॉक में लगातार यहाँ पर एक तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम अगर स्टॉक में बात करें तो यहाँ से हमारे पास स्टॉक में 653 का जो लेवल है ये अब स्टॉक में ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक कर देता है तो फिर इसके बाद हमको स्टॉक का फिर 700, अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो इसका हमको स्टॉक में 800, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो हमको स्टॉक में 900 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 612 का पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद हमको स्टॉक में 592 और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 547 तक के लेवल्स ऐसे नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बैसा होल्डिंग नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।